हेलो फ्रेंड्स, मैं सजादी आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पतंजलि का दिव्य पेय काढ़ा। ये दिव्य पेय काढ़ा है और ये भारत में निर्मित है, मेड इन भारत। इसमें बाबा रामदेव का लोगो भी लगा है, आप सब देख सकते हैं। तो ये 100% ओरिजिनल है और ये जड़ी बूटी से निर्मित है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स में है एला लघु, एला बड़ी, दालचीनी, लौंग, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, गुलाब, गाजवन, सौंफ, चितक, चब, पिपली छोटी, सोंठ, मुलेठी, तेज पत्ता, गोरख पान, अज्ञात घास, भूमि, आंवला, कुलमा, बेला, बाला, ब्राह्मणी, शंख पुष्पी, वसंत, तुलसी, अर्जुन, चंदन, वासा, सफ़ेद बनफसा, नागारोथा, देसी तुलसी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स 100% जड़ी बूटी हैं और इसमें ज़्यादा केमिकल, तो क्या केमिकल का यूज़ ही नहीं किया गया है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये ख़ास तौर से सर्दी जुकाम के लिए तो रामबाण इलाज है। तो गाइस, आप इसका ट्राई ज़रूर करिएगा। ये 100 ग्राम के पैकेज में आती है और इसकी MRP है 50 रुपये। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ का है ये। 2020 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, 2022 तक ये चलेगी। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो एक हफ्ते में ही ये ख़त्म हो जाएगा। दिव्य पेय चाय एक आयुर्वेदिक विकल्प है या जड़ी बूटी और पौधों के उत्पाद की अच्छाई को जोड़ती है। इसमें विटामिन सी को समृद्ध किया जाता है ताकि आपको खांसी सर्दी उबरने में मदद करे। आपके शरीर और दिमाग को पोषण आराम देता है, आपके यकृत और पाचन को ठीक करता है। इसके नियमित सेवन से आपके कई फायदे होते हैं। मन में शांत रहता, अच्छी रहती, पाचन तंत्र अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, शरीर के भीतर से साफ रहता है, ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहती है। इसको कैसे बनाएं? हर्बल चाय बनाने के लिए ताज़े पानी का इस्तेमाल करें। आयरन स्टील या किसी भी बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। अलग अलग तरह के किसी भी बर्तन में आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है। अब मैं अपना ये चढ़ा दे रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच दिव्य पेय। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस चम्मच से डालने वाली हूँ। ये नॉर्मल चम्मच है, मतलब चम्मच उतना टेबल स्पून से छोटा है, तो इसका बीच वाला चम्मच मेरे पास है नहीं। तो आप इसमें ऐड करिए दिव्य पेय। ये बहुत ही दरदरा कूटा गया है या पीसा गया है, तो ये ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो ये सही है। तो आप इसको इसमें डाल दीजिए। मैंने एक डाला है और आधा और डालूंगी क्योंकि मैं 3 कप बना रही हूँ। और मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप चाय को गोली मारिए और आप इसी को ट्राई करिए। एक बेस्ट चाय है, आप इसको काढ़ा भी बोल सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं तो इसको काढ़ा ही बोलती हूँ और चाय भी। मैं मॉर्निंग में इसको यूज़ करती हूँ, इवनिंग में भी। मुझे तो ये बेस्ट लगता है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब 5 मिनट पकाएंगे। तो इसमें उबाल आ गया है तो मैं उसको ढक दे रही हूँ। तो अब इसे मैंने ढक दिया है। अब 5 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करूँगी। तो गाइस, 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसको खोल के दिखा दे रही हूँ। पानी देखिए, ये आधा जल गया है। काढ़ा को हमेशा 10 से 15 मिनट पकाना चाहिए ताकि उसमें अच्छे से जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं या जो भी हमने डाला है दिव्य पदार्थ, उसका अर्थ उस पानी में अच्छे से आ जाए ताकि हमें इसका सारा गुण मिल जाए। अब गैस को कर देते हैं ऑफ। और हाँ गाइस, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप इसी स्टेज पर स्ट्रीम ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे आपके जो नोज़ एरिया जाम रहेगा ना, वो ओपन हो जाएगा, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आप इसी स्टेप पर नीचे उतार कर टॉवल रख के आप इसका स्ट्रीम ले लीजिए। आपको अच्छा महसूस होगा, आपकी फीलिंग आपको गुड आएगी। तो आइए इसको फिर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ सेंधा नमक।
आप सेंधा नमक की जगह आप गुड़ चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये एक अच्छा उपाय है, मतलब चीनी चाय दूध को बचाने के लिए, तो आप सेंधा नमक इसमें डालिए। यूँ तो चाय हम सब कोई बहुत लोग पीते हैं, पर ये ज़्यादातर उनके लिए जिनको सर्दी खांसी जुकाम है वो उनके लिए बेस्ट है। और गठिया थायराइड जैसी बीमारियों में जोड़ों में दर्द होता है, होता है जलन होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना गाइस तो आपको फ़र्क लगेगा, आपको गठिया में जो जोड़ों का दर्द है ना वो धीरे धीरे आपको ठीक लगेगा। ये जड़ी बूटी है, इसमें आप समझ नहीं सकते कितने सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण है, तो अपनी अपनी जगह में हर जड़ी बूटी अपना अपना काम करेगी। तो आप इसको, मैंने छान लिया है, आप इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें लेमन या हनी ऐड कर सकते हैं, तो मैं तो लेमन ही ऐड करूँगी, मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें हाफ लेमन ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं तो कहूँगी कि मॉर्निंग में चाय से बेटर तो आप इसी को पीजिए, चाय को हटाइए, चाय में कैफीन होता है जो हमारे भूख को भी मार देता है।